स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में यूपीएस का क्या अर्थ है? ए एकीकृत भुगतान प्रणाली, बी संघ भुगतान योजना, सी यूनिवर्सल पेंशन सेवा, डी एकीकृत पेंशन योजना। आंसर डी एकीकृत पेंशन योजना। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या है? ए 50%, बी 55%, सी 60%, डी 65%। आंसर सी 60%। एक्सप्लेनेशन, सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित पति या पत्नी को पेंशन राशि का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी जाएगी। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने का फैसला किया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण भारत के लिए आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू को बीआर हिल्स स्थित जनजातीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में लॉन्च किया जाएगा? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। आंसर डी कर्नाटक। एक्सप्लेनेशन, 25 अगस्त को कर्नाटक के बीआर हिल्स में आदिवासी स्वास्थ्य संसाधन केंद्र THRC में कानू का शुभारंभ किया जाएगा। कानू दक्षिण भारत के लिए एक आदिवासी ज्ञान केंद्र बनने जा रहा है। कानू का मतलब कन्नड़ और सोलिगा दोनों भाषाओं में सदाबहार जंगल है। कानू का लक्ष्य दक्षिण भारतीय आदिवासियों के इतिहास, संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में पहला ज्ञान केंद्र बनना है। अगला प्रश्न, सेट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? ए विराट कोहली, बी यशस्वी जायसवाल, सी शुभमन गिल, डी रोहित शर्मा। आंसर ए विराट कोहली। एक्सप्लेनेशन, विराट कोहली को सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि मोहम्मद शमी को वनडे गेंदबाज ऑफ द ईयर चुना गया। सीएट क्रिकेट पुरस्कार भारत में क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ये पुरस्कार दुनिया भर के क्रिकेटरों के असाधारण प्रदर्शन का सम्मान करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस दिग्गज भारतीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ए शिखर धवन, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी केएल राहुल। आंसर ए शिखर धवन। एक्सप्लेनेशन, भारतीय टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच दिसंबर 2022 में खेला था। उन्होंने अपने करियर में भारत के लिए 34 टेस्ट, 167 एक दिवसीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय खेले। वे 2010 में एक दिवसीय में पदार्पण किया तथा सभी प्रारूपों में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,867 रन बनाए।